गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। यह टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर क्रोमोसोम्स की हम कोशिका के अंदर पोजीशन की स्थिति देखें तो वह इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वह DNA एंड प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित क्रोमेटिन फाइबर्स की संघनित अवस्थाएं हैं। क्रोमोसोम्स आर द रोड शेप्ड डार्क स्टेंड बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम्स जो हैं वह रोड की आकृति के और गहरी अभिरंजित संरचनाएं हैं जो कि कोशिका में उसके विभाजन में माइटोसिस के दौरान मेटाफेज की अवस्था में दिखाई देती हैं। स्ट्रासबर्गर ने इनको सर्वप्रथम 1875 में खोजा था, जबकि वाल्डेयर ने 1888 में इन्हें क्रोमोसोम नाम प्रतिपादित किया था। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स की कुछ विशेषताएं हैं। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में यह सबसे अधिक दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स बियर जीन्स इन ए लीनियर फैशंस। क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं, यह एक लीनियर फैशन में उपस्थित होती हैं। क्रोमोसोम्स वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज में क्रोमोसोम्स जो शेप हैं वो शेप, साइज और नंबर में विभिन्नताएं रखते हैं। क्रोमोसोम्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स का निर्माण जो है वह DNA, RNA और प्रोटीन के द्वारा होता है। क्रोमोसोम की साइज के बारे में देखें तो क्रोमोसोम साइज इज मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज, जनरली मेजर्ड इन लेंथ एंड डायामीटर। प्लांट्स यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम्स देन एनिमल्स। प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में अधिक लंबे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम्स की साइज जो हैं वह भी अलग अलग होती हैं। क्रोमोसोम की अगर शेप देखें तो क्रोमोसोम की शेप का निर्धारण मुख्यतया क्रोमोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर होता है। क्रोमोसोम्स जनरली तीन शेप्स में पाए जाते हैं, रोड शेप, जे शेप एंड वी शेप। क्रोमोसोम्स नंबर की बात करें तो ईच स्पीसीज हैज डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट सोमेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर। अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम्स के नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक स्पीसीज में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है और इनके सोमेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम कॉन्स्टेंट नंबर में पर पाए जाते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सोमेटिक सेल्स। जो प्राणी की सोमेटिक कायिक कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स कायिक क्रोमोसोम्स अथवा सोमेटिक क्रोमोसोम कहलाते हैं, जबकि किसी प्राणी के गेमेटिक सेल्स में, युग्मक कोशिका में पाए जाने वाले, जनन कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स जेनेटिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड एंड आर डिनोटेड एज 2N, वेयर एज जेनेटिक क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड आर डिनोटेड एज N। सोमेटिक क्रोमोसोम्स हमेशा द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं और इस प्रकार 2N के द्वारा इनको डिनोट किया जाता है, जबकि जेनेटिक क्रोमोसोम्स हमेशा अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं और इन्हें N के द्वारा डिनोट किया जाता है।
मानव में सोमेटिक क्रोमोसोम्स जो हैं फीमेल में एक्स एक्स एंड मेल में एक्स वाई पाए जाते हैं, जबकि जेनेटिक क्रोमोसोम्स जो हैं वह फीमेल में एक्स एंड मेल में एक्स एंड वाई पाए जाते हैं। इस चार्ट में हम अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्राणियों में क्रोमोसोम्स की संख्या को देख पा रहे हैं कि ह्यूमन में जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं वो 46 पाए जाते हैं, जबकि गैमेटिक क्रोमोसोम्स 23 पाए जाते हैं। एंड सबसे कम क्रोमोसोम्स जो हैं वह न्यूरोस्पोरा क्रेशा जो कि एक शैवाल है इसमें पाए जाते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स की संख्या इसमें 14 होती है, जबकि गैमेटिक क्रोमोसोम्स 7 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देखें तो मुख्यतः इसमें 7 भाग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सेटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स कहलाते हैं। सेंट्रोमियर जो है इट इज़ द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर टू बी जॉइंड ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज इज नोन एज सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स के जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वह मेटाफेज अवस्था में जिस स्थान से जुड़े हुए रहते हैं वह सेंट्रोमियर कहलाता है। यह मुख्यतया क्रोमोसोम्स के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से संबंधित होता है, अर्थात इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड हैं उनके अपोजिट पोल्स पर मूवमेंट को यह नियंत्रित करता है। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स को चार प्रकार में बांटा जाता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अगला पार्ट है क्रोमेटिड। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम्स अपीयर्स टू बी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड क्रोमेटिड। मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स जो है वह लॉन्गिट्यूडिनली दो अलग अलग पार्ट में आइडेंटिकली पार्ट में डिवाइड दिखाई देता है। इन पार्ट्स को क्रोमेटिड कहा जाता है। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड जो हैं वह सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जो हैं वह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस और नैरो रीजन अदर देन देट ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के अलावा जो दूसरा कहीं अदर संकीर्णन पाया जाता है, कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, वह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के फलस्वरूप क्रोमोसोम पर सेटेलाइट का निर्माण होता है, अर्थात सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से आगे क्रोमोसोम का पार्ट सेटेलाइट कहलाता है, और इस प्रकार का क्रोमोसोम्स सेटेलाइट क्रोमोसोम कहलाता है। सेटेलाइट क्रोमोसोम्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम्स। जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वह मुख्यतया न्यूक्लियोलस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है, अतः सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वह न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहलाता है। अगला पार्ट है टीलोमियर। द टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज टीलोमियर। क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है उसकी आर्म का जो एंड पार्ट है वह टीलोमियर कहलाता है। यह काफ़ी हाईली स्टेबल होता है और यह क्रोमोसोम्स को किसी दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज होने अर्थात जॉइंट होने से रोकता है, क्योंकि टीलोमियर जो है वह पोलैरिटी इफेक्ट रखता है। क्रोमोमियर इन सम स्पीसीज लाइक मैज, राइस एटसेट्रा, क्रोमोसोम्स इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस शो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। कुछ स्पीसीज में क्रोमोसोम्स जो है वो पैकेटिन स्टेज में मोती के समान बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्रोमोमियर्स कहलाते हैं।
क्रोमोमियर्स जो हैं वह क्लियरली विजिबल होते हैं, डार्क स्टेन्स के रूप में दिखा बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं, और यह जॉइंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स में अधिक स्पष्टता से दिखाई देते हैं। क्रोमोमियर्स आर रीजन ऑफ टाइटली फोल्डेड डीएनए। क्रोमोमियर्स जो हैं वो टाइट रूप से जो डीएनए अधिक संख्या में फोल्डेड हो जाता है उसके रीजन के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोनिमा, ए क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स एंड ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोनिमा। क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिड है उस क्रोमेटिड के अंदर थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्रोमोनिमा कहा जाता है। क्रोमोनिमा शब्द को सर्वप्रथम वेजवोस्की ने 1912 में प्रतिपादित किया था। द क्रोमोनिमेटा फॉर्म द जीन बियरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जो जीन बियरिंग पार्ट है वह क्रोमोनिमेटा में पाया जाता है। मैट्रिक्स इज द मास ऑफ ए क्रोमेटिक मटेरियल विच सराउंड्स द क्रोमोनिमेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्रोमोसोम्स का वह पार्ट जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं पाए जाते, फ्लूड पाया जाता है, मास वह मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के चारों तरफ एक सीथ पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। क्रोमोसोम्स का अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड इट इज़ कंपोज ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए इज द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स इज कॉन्स्टेंट। डीएनए कंटेंट ऑफ गैमेटिक सेल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स में डीएनए की अमाउंट कॉन्स्टेंट होती है जबकि गैमेटिक सेल्स में जो डीएनए है, गैमेटिक सेल के क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाता है वह सोमेटिक सेल से हाफ कंडीशन में आधी मात्रा में ही पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में डीएनए वो दो प्रकार का पाया जाता है, यूनिक डीएनए एंड रिपीटिटिव डीएनए। आरएनए प्यूरिफाइड क्रोमेटिन कंटेंट 10-15% आरएनए। आरएनए एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। क्रोमोसोम में जो आरएनए पाया जाता है वह 10-15% की मात्रा में पाया जाता है और मुख्यतया एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए इसके अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में जो प्रोटीन है वह दो प्रकार की पाई जाती हैं, हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वह बेसिक एमिनो एसिड से बनी होती हैं इसलिए बेसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं। यह 80% की मात्रा में क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन एन ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो विथ डीएनए, अर्थात जितना डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है लगभग उतनी ही स्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। 5 fractions ऑफ स्टोन आर प्रेजेंट लाइक 1H1, 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मेकअप ऑफ 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन मास। कंटेंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इंक्लूड्स मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे हमने पहले देखा था कि क्रोमोसोम्स को 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। कैरियोटाइप, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए स्पीसीज और इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरियोटाइप। किसी व्यक्तिगत प्राणी में अथवा किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट को कैरियोटाइप कहा जाता है। इडियोग्राम, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज और ए पॉपुलेशन इज नोन एज इडियोग्राम। किसी स्पीसीज और किसी पॉपुलेशन के में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के रेखीय अथवा चित्रीय निरूपण को इडियोग्राम कहा जाता है जिसमें क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी कल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित होते हैं।
स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सम टिश्यू ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम्स इन टर्म्स ऑफ आइदर मॉर्फोलॉजी और फंक्शन. कुछ प्राणियों की कुछ विशिष्ट ऊतकों में विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि सामान्य क्रोमोसोम से भिन्न होते हैं. इनका आकार भी भिन्न होता है और इनका कार्य भी भिन्न होते हैं. इस प्रकार के क्रोमोसोम्स स्पेशल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो कि मुख्यतया प्राणी में दो प्रकार के स्पेशल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. जॉइंट क्रोमोसोम्स, जिन्हें पॉलीटिन क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है. इनकी खोज सर्वप्रथम ईजी बालबियानी ने 1882 में की थी, डिप्टेरा वर्ग के जो कीट हैं उनकी सलाइवरी ग्लैंड में इन क्रोमोसोम्स को खोजा गया था. दूसरे प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं लैम्पब्रस क्रोमोसोम्स. इनको सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में जो शार्क है, मछली है, उसके उशाइट के अंदर इनको खोजा था. उसके बाद में रुकर्ट ने इन्हें 1892 में भी खोजा था, जिन्हें लैम्प्रस क्रोमोसोम्स नाम दिया गया था. इस डायग्राम में हम जॉइंट क्रोमोसोम्स एंड लैम्प्रस क्रोमोसोम्स की आकार को देख पा रहे हैं. ओके, थैंक यू.